पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता। अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। आगे भी कभी ये बोला जाएगा मेरे देश के प्रति तो फिर ऑब्वियसली इसी तरीके का रिएक्शन होगा। मेरी जगह वो कोई पाकिस्तानी होता और अगर इंडियन क्राउड कुछ ऐसा करा होता तो वो भी इसी तरीके का रिएक्ट करता। देखिए, पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर दो या तीन पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। सर, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है? वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहाँ पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो इसमें क्या खराबी? आप मैच देखने आए ना, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप अच्छे आराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते अपनी टीम को तो उसमें क्या खराबी थी? नहीं, सिर्फ इतने ही कमेंट्स आ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरा मानना है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले तो दोनों ही देश के क्राउड्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए, किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को, ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। मीडिया पे धोनी की आवाज आ रही थी, उस पर आपने रिएक्ट किया है? देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया में दिखाया जाता है जो मन करता है उस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ तो कैप्चर होता नहीं है और सब कुछ तो दिखाया जाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट करा था या किसी के भी नारे लगा रहा था, तो मेरी तरफ से नहीं लगा रहा था। मैंने तो उन लोगों को रिएक्ट किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुझे वहाँ पर तीन चार लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोला जाए? और गौतम भाई, कई बार हमने देखा कि इस तरीके से वीडियोज होती है तो कुछ जो शरारती तत्व होते हैं वो नीचे ऑडियो लगा देते हैं उसकी, ताकि पूरे सिचुएशन को छेड़खानी कर देती है। तो आपको लगता है वीडियो में उस तरीके से भी हरकत की जा सकती है? देखिए वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि किस तरीके से वो हरकत की गई है, किस तरीके से वो हरकत की गई नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हुआ है उसी के चलते मैंने वो रिएक्ट किया। और अगर आगे भी कभी ऐसा होगा, अगर आगे भी कभी ये बोला जाएगा मेरे देश के प्रति, तो फिर ऑब्वियसली इसी तरीके का रिएक्शन होगा। गौती, आप तो इतने पूरी दुनिया में खेले हैं क्रिकेट, आपको लगता है ऑफ लेट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इस तरह की घटनाएं बढ़ी? आपने तो पूरी दुनिया में 10-15 साल क्रिकेट खेली है, फैंस का रिएक्शन देखा, क्रिकेट पे कमेंट करते हैं, इस तरह नेशनलिज्म? तभी मैंने ये बोला कि जब मैं दोनों देशों के क्राउड से ये कहना चाहूंगा कि जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने हैं तो मैच देखिए, मैच को एंजॉय करिए, अपने देश को सपोर्ट करिए, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करिए, अल्टीमेटली जीतेगा एक ही। लेकिन अगर आप इन इवेंट्स में भी पोलिटिसाइज करते हैं या देश के अगेंस्ट कोई नारे लगाते हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मेरी जगह वो कोई पाकिस्तानी होता और अगर इंडियन क्राउड कुछ ऐसा करा होता तो वो भी इसी तरीके का रिएक्ट करता। गौतम सर, आपने शिकायत की है किसी से इसकी? नहीं, मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में शायद सिक्योरिटी इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है, ना कोई कमेंटेटर ना कोई खिलाड़ी।